को देना जरूरी है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन 9 जिलों के लिए बड़ी सौगात है जहां से होकर ये गुजर रहा है। पूर्वांचल के उन जिलों को इससे फायदा होगा, ये आपको बताते हैं, ये आपको समझाते हैं। आप देखिए, समझिए इसको, पूर्वांचल को कैसे फायदा होगा। करीब 5 इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित हो रहे हैं, 9000 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। एक्सप्रेसवे से सटे जिले कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट पहली प्राथमिकता रहेगी, टेक्सटाइल रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादन का भी काम होगा, बेवरेज केमिकल और मेडिकल फैक्ट्री भी स्थापित होगी, स्थानीय लोगों में रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी और रोजगार के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ये कई खासियतें हैं। कल इस एक्सप्रेस वे पर सबकी निगाहें होंगी क्योंकि वायुसेना के फाइटर विमान एयर शो करने वाले हैं। कल वायुसेना का क्या कार्यक्रम है ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं क्योंकि इसका इंतजार सब लोगों को है। जी हाँ, इमरजेंसी के वक्त वायुसेना का लड़ाकू विमान यहां उतर सकेगा। सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी सड़क को हवाई पट्टी के रूप में बनाया गया है। पीएम मोदी वायुसेना के C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से पहुंचेंगे। पीएम की मौजूदगी में लड़ाकू विमानों के उतरने का ट्रायल होगा, मालवाहक विमानों के भी एक्सप्रेसवे पर उतरने का ट्रायल होगा। वायुसेना के विमानों का एयर शो किया जाएगा। वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स लैंडिंग टेक ऑफ का ट्रायल करेंगे, 2 सुखोई, 2 मिराज और 2 जगुआर ट्रायल करेंगे। तो ये कल होने वाला है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ, अशोक पांडे साहब, मनोज काका जी को आपने सुना, उन्होंने तमाम बातें कही कि किस तरह से, और विनेश भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से अब इस पर तो राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। बताइए आपकी प्रतिक्रिया। जी अशोक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है अशोक पांडे जी तक शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। मनोज काका, सियासत तो दोनों तरफ से हो रही है, इसने बनाया, उसने बनाया, किसने बनाया, लेकिन जनता का पैसा है, जनता के लिए सरकारें काम करती हैं, और अगर कोई चीज बन गई तो ठीक है, उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कभी समर्थन भी तो करना चाहिए, उसकी तारीफ भी तो करनी चाहिए। रोहित जी, बहुत अच्छी बात है कि ये जो जो पैसे हैं वो जनता के पैसे हैं, इस बात से पूरी समाजवादी पार्टी सम्मत होती है, लेकिन जनता के पैसे का प्रयोग जनता के हितकारी और जनता के जो विकास हेतु कार्य है उसमें लगाना चाहिए। जनता के पैसे डीएम और एसपी को लगा करके कि 40 लाख रुपए ले लो और भीड़ इकट्ठा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो इन्हीं तरह के चरित्रों का विरोध कर रही। समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश को एलिवेटेड सड़क अगर पहली बार इस उत्तर प्रदेश में बना, आप स्वयं जानते होंगे, उसी नोएडा में गाजियाबाद में एलिवेटेड सड़क का भी अगर किसी ने दूरदर्शी सोच के तहत ये इनोवेशन किया, निर्माण किया, तो अखिलेश यादव जी की विकासात्मक सोच ने किया। आज किसान ये पूछ रहा है कि उसकी मंडी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कहाँ है, उसके सर्विस लेन कहाँ है। आप जरा कल्पना करें कि जो नजदीक के गांव हैं, जो बगल के गांव हैं, उन्हें अगर एक्सप्रेसवे पे चढ़ना हुआ तो वो कितने किलोमीटर जाएंगे, 100-100 किलोमीटर तक उसमें सर्विस लेन नहीं है। तो इस तरह से आधा अधूरा करके और उसका जो गुणवत्ता थी उसको कम करके अपने जानी पहचानी कंपनियों को लाभ देने के लिए, जो कंपनियां भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देती हैं, और जिस संस्था जो संस्था इसका निर्माण कर रही है रोहित जी, यूपीडा भी उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने ऐसा कार्यदायी संस्था बनाई जिससे बड़े से बड़े एक्सप्रेसवे का, बड़े से बड़े इंडस्ट्री का, बड़े से बड़े जिससे विकासात्मक कार्य हो सकते हैं, तो वो सोच भी माननीय अखिलेश यादव जी की ही रही है। और अखिलेश यादव जी कल पूरे लखनऊ से लेकर के और गाजीपुर तक समाजवादी पार्टी को जानने समझने वाला गांव, गरीब, किसान, नौजवान, वो जानता है कि ये किसके दूरदर्शी सोच का परिणाम फलित हुआ है कि हमें। ठीक है मनोज काका, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। हमारे साथ विनेश पांडे भी बने हुए हैं, मनोज आप रुकिए, और अशोक पांडे साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे पूर्वांचल